स्टेज पे मौजूद मेरे अजीज दोस्त मोहतरम मुकर्रम एक्स प्रिंसिपल पवन सर जी, किश्तवाड़ में जो टेन्योर उनका 2-2.5 साल का था वो एक तारीखी मैं मानूंगा, क्योंकि मैं जब कल चला गया वहाँ पे देखा कि बहुत डेवलपमेंट उनके टाइम में हुई किश्तवाड़ काल में। उसके बाद मेरे अजीज और हरदिल अजीज जिनको बोलेंगे डॉक्टर आशिक साहब, जिन्होंने जिनके एहसानात बहुत हैं मुझ पर, क्योंकि मैं वाकई एक बहुत बड़े काले से जब आया तो मुझे ऐसा लगा तो जैसे प्राइमरी स्कूल की बात की, लेकिन इनने वो संभाला जो मेरी अब्सेंस में इनने पूरे कॉलेज को संभाला। उसके बाद मेरी शरीकी हयात डॉक्टर राशिदा बेगम, ये डेंटल सर्जन हैं मेरे अजीज़ और हमारा मुस्तकबिल जो है डॉक्टर जमशेद जी, मुझे बहुत ही प्यारे हैं। फिर मेरे अजीज़ डॉक्टर जसवंत जी, वाकई जसवंत जी में इतना टैलेंट है कि वो जगह इनके लिए कम पड़ रही, तो फिर इनकी वो फरमाइश पे हमने जो टूर्नामेंट किया था, उस टूर्नामेंट की मैं बात करूंगा कि रूए रवा हमारे जमशेद सर का उसमें बहुत जोर रहा। जब वो एंड पे पहुंचा वो प्रोग्राम सर, वो उसका फाइनल होने वाला था, तो फाइनल के लिए जब मैं आया यहाँ पे तो जमशेद सर का अचानक वो हादसा हो गया, जो बदकिस्मती हो गई हमारी, तो सर ने मुझे कहा कि हम फाइनल करते हैं। मैंने कहा नहीं, फाइनल तब तक नहीं होगा जब तक जमशेद नहीं आए। कभी ये किसी को महसूस नहीं होने चाहिए कि आपकी वैल्यू कम है या ज़्यादा है, कि मेरे लिए सब बराबर होते थे। और मेरे ये जो मेरे ये जो ये मेरे फूल हमारे जो बैठे हैं सामने, जो हमारा फ्यूचर है, और जहाँ भी जाएंगे अपनी खुशबू बिखेरेंगे इंशाल्लाह ताला, उनमें वो टैलेंट है। जमशेद से सर मुझे बताते थे, सर आप आओ और देखो वो जो बच्चे हैं वो डिग्री कॉलेज नोएडा से और किश्तवाड़ से बेहतर बच्चे मिलेंगे आपको। बाकी जब मैं यहाँ आया, जब इंटरेक्ट हुआ इनसे, तो मुझे बाकी लगा यार जमशेद सर की बात तो 16 आने सही थी, सही निकली। बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है, जैसे भवन सर आप जानते हैं। मैंने जब लाइफ में जब नौकरी मिली कि मैंने हमेशा ये समझा कि मुझे अल्लाह ने एक मकसद से कहीं कुर्सी पे बिठाया है, ये मैं बार बार बोलता हूँ। और जब ये कोई समझता है कि मुझे मकसद से बिठाया है, मुझे चुना गया है, तो उसके कदम कभी नहीं डगमगाते, वो हमेशा इंसाफ से काम करता है। मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा बोर्ड में, 2 साल का टेन्योर मैंने दिया। मैं SSB जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उसका मेंबर रहा, वहाँ पे मैंने टीचर्स इंटरव्यू लिए। मैं आपको बता दूं कि जब वो SSRB का जब मेरे पास लेटर आता है, तो मैंने उस वक्त जान लिया कि मुझे इम्तिहान में अल्लाह ने इम्तिहान में डाल दिया। मैंने कहा इस इम्तिहान को मैं कैसे टिका लूंगा, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से था ना, इम्तिहान होता है बंदे के लिए, इंसान कैसे उसको कैसे चलेगा। मैंने अपना स्विच ऑफ मोबाइल फोन कर दिया। 11 दिन मैं डोडा में रहा डागोना में, अल्लाह के करम से कभी अपने जात में आज नहीं आने दी। कॉलेज की थी, मुझे बहुत फोन आते थे कि वो हमें जमीन दे दो। कृष्ण के फोन आने की बड़ी धमकियाँ आई, तो मुझे जब मैंने उस काम नहीं किया, सर जानते हैं मुझे मेरी ट्रांसफर करने वहाँ से छाटरी कर दी, मुझे सजा के तौर पर भेज दिया। मैंने हमने अभी टर्म पर नौकरी की है, मुझे को बताता हूँ मैं कि भाई मैं भी एक हम्बल बैकग्राउंड से, मैं कोई जैसे मुझे इन पर प्यार आता है। जमशेद सर ने ये कहते थे कि मेरा फादर शेफर्ड है, बड़े फख्र से कहते हैं। या आशिक साहब को मैं बताऊं कि ये इनने कहाँ से ग्रो किया है, ये खुद इनने जो इनकी स्टोरी जो है ना, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। उसके बाद आप बताओ ये राइज कहाँ से किया इनने, ये मिसालें आपके सामने। मैं आज अपने बारे में नहीं बोलूंगा कि मेरे बहुत लोगों ने बोला ये तारीफें की, लेकिन मैं बोलना चाहता मैं आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई इनने अगर इनने कुछ किया तो आप भी कर सकते हो। उसके बाद उसने BSc किया, MSc किया, PhD किया, और आज ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा में नहीं पूरे आंध्र लेवल का नाम है। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी राइज करो। मैं कहता हूँ कि माँ बाप की उम्र 10 साल बढ़ जाती है जब आप अच्छा बनते हो, तो लेकिन अगर वही बच्चा बिगड़ जाता है, रास्ते से भटक जाता है, वही बाप उनके वो मर जाते हैं, 10 साल पहले मर जाते हैं। तो वही कहता हूँ कि बेटा आप लोगों में भी वो टैलेंट है। अब ये जो ये बच्चा यहाँ बोला यार, मुझे कितना अच्छा लगा कि यार कॉन्फिडेंस क्या है बच्चे में, वही चीज़ अपने में ला नहीं आप बेटा आपने। और मैं कल भी इनको बता रहा था कि लाइफ को आप ये मत समझो कि इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है आपकी, और ये सोचना इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है।
ये आपको गोल ये नहीं होना चाहिए बस यार बीएससी हो गई बीए आप शादी करेंगे बस यार घर बसाएंगे, नहीं यार लाइफ कुछ और मांगती है आपसे। यहाँ भी कल बता रहे थे कि केएस तीन बहने हैं यहाँ की इस साइड कोई डाइवर्स हो गया फिर वो फेल भी हो गई थी ये वो करके करते मगर उसने स्ट्रगल नहीं छोड़ी केएस कर दिया उसने। ये तो आपकी अलग है की मिसाल दे रहा हूँ। जब हम जब सर जिस जब कॉलेज लेक्चर लगे तब तो कॉलेज मथुरा कॉलेज एक होता था 89 में फिर आपका डोडा में कॉलेज खुला 86 में किश्तवाड़ में कॉलेज खुला लेकिन मथुरा कॉलेज में ही सिर्फ साइंस चलती थी। वो जमाना हमने देखा है कि कॉलेज लेक्चर जब चलता था बाजार में ना तो लोग खड़े हो जाते थे वो एहतराम और इज्जत लोगों में थी वो खड़े हो जाते थे। मैं जो आपने जो प्यार मुझे बख्शा मैं तो भूल ही गया कि मुझे भी कुछ मैंने भी कुछ पर्ची लिख के लाई थी। मैं ये खलूस की जब बात चलती है तो कौन किसके साथ कितना मुखलिस है फराज, कौन किसके साथ कितना मुखलिस है फराज, वक्त हर शख्स की औकात बता देता है। जो प्यार आपने मुझे दिया तो आज यही है ना पैमाना यही है तो मुझे दे रहे हैं इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है मेरे लिए। मैं तो आपको यही कहूंगा रहे यूं सदा चमकता, रहे यूं सदा चमकता तेरा आफ्ताब किस्मत। ये सब तो आपकी नजर है आपकी समातों की नजर है। और मैं वो मेरे एक दोस्त थे वो बोलते थे कि वक्त की तंग दामानी का मुझे एहसास है। तो यह है कि रहे यूं सदा चमकता तेरा आफ्ताब किस्मत, तेरी सुबह रोजे रोशन कभी शाम तक न पहुंचे। अल्लाह ने जो पोस्ट आपको दी है ना मैं बार बार बोलता हूँ कि यार अगर हर वक्त हम सजदे में रहे या आप लोग सजदे में रहो इसका कर्ज नहीं उतार सकते। आप बड़े बड़े मतलब जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जजेस हैं बड़े बड़े लीडर्स आपके हाथ से निकलते हैं एक ऐसी फैक्ट्री आप चला रहे हैं ना जिसको अनमोल जिसका कोई मोल नहीं है। तो मैं अभी जो रिटायर जब हो गया मैं तो अब मैं ज़्यादा टाइम बेशक दे दूँगा अपनी फैमिली को। तो मैंने ये कहा था किश्तवाड़ में कि जो शख्स जो होता है काम करने वाला शख्स कभी रिटायर नहीं होता है उसमें पैशन अगर हुआ ना कभी रिटायर नहीं होता है। वही मैंने कहा था कि अगर मुर्गा कहे कि मैं बांग देना छोड़ दूँ मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो वो कभी नहीं हो सकता है। या मछली कहे मैं तैरना छोड़ दूँ तो कभी नहीं हो सकता है। आखिर में मैं यही कहूँगा एक दुआएं मेरी आप सबके साथ हैं। मैं ज़्यादा आप बच्चों को मिस करूँगा ओवरऑल में यहाँ के बच्चे किश्तवाड़ डोडा कॉलेज क्योंकि मैंने जहाँ भी जाता था मैं इंटरेक्शन बहुत होती थी बच्चों के साथ मतलब मेरे दरवाजे खुले होते थे वो एक नहीं आता था अंदर 10-12 घुस जाते थे अंदर तो मैं चपरासी को बोलता बच्चों का नहीं रोकना यार। तो मैं रिटायर तो हो रहा हूँ लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं एक्टिव रहूँगा इसलिए किसी तरह मैं अपने आप को बिजी रखूँगा। मैं रिटायर नहीं हो रहा इसलिए मैं दुनिया नया गुलशन बनाना चाहता हूँ, नई दुनिया नया गुलशन बनाना चाहता हूँ, जमाने को नए नगमे सुनाना चाहता हूँ, नई दुनिया नया गुलशन बनाना चाहता हूँ, जमाने को नए नगमे सुनाना चाहता हूँ, हमारी ज़िंदगी हो फूलों की मानिंद इस गुलशन में, हमारी ज़िंदगी हो फूलों की मानिंद इस गुलशन में, नए फूलों को गुलशन में खिलाना चाहता हूँ, नए फूलों को गुलशन में खिलाना चाहता हूँ। लेकिन और अलविदा होने से पहले मैं एक बार फिर नेक ख्वाहिशात मेरी आपके साथ है और मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सबका। लेकिन आपके साथ आशिक साहब और आपके साथ तो तल्लुक सबके साथ रहेगा, नेक दुआएं नेक तमन्नाएं आपके साथ और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि पुरतकल्लफ आपने जो फेयरवेल पार्टी आज अरेंज की है उसके लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ख़ास मैं शुक्रिया अदा करना मैं भूल गया कि मेरे भाई जो किश्तवाड़ से तशरीफ़ लाए मेरी मेरे लिए उनका भी मैं मशकूर और ममनून हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।